लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर हुई वोटिंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, मेनका गांधी और साध्वी प्रज्ञा समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। यूपी के सुल्तानपुर से महागठबंधन प्रत्याशी सोनू सिंह पर बीजेपी नेता मेनका गांधी ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। दोनों के बीच जमकर हुई तू तू मैं। यूपी के देवरिया में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर सपा बसपा गठबंधन को जमकर घेरा। कहा सपा और बसपा के बस की बात नहीं है आतंक से निपटना। आतंक से निपटना सपा बसपा के बस की बात ही नहीं है। मुझे बताइए भाई, ये जितने प्रधानमंत्री के चेहरे आज बाजार में घूम रहे हैं, 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहता है प्रधानमंत्री बनेगा, 20 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेगा, 30 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, इतने सारे चेहरे हैं, मुझे बताइए इन सारे चेहरों में हिम्मत के साथ सीना तान करके आतंकवाद के खिलाफ कौन लड़ सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में ईवीएम खराबी पर जताई नाराजगी, चुनाव आयोग को लिखा शिकायत पत्र। दिल्ली में कई जगह ईवीएम खराबी पर कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। कहा मुस्लिम इलाकों में ही हो रही गड़बड़ियां। दिल्ली में वोट डालने के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मोदी ने नफरत पर लड़ा चुनाव, जीतेगा हमारा प्यार। नरेंद्र मोदी ने नफरत का प्रयोग किया, हमने प्यार का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि प्यार जीतने वाला। वोटिंग के बाद मोदी के 75 साल की तपस्या वाले बयान पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, 50 घंटे भी की होती तपस्या तो ना करते नफरत वाली बातें। अगर 50 घंटे की तपस्या कर ली होती तो इस तरह से नफरत भरी बातें नहीं करते। पीएम मोदी के रडार वाले बयान पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर ली चुटकी, लिखा ए हट बुड़बक, तेरा ध्यान किधर है, रडार इधर है। ट्विटर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, 1.1 करोड़ के पार हुए फॉलोअर। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।